हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ सिनेमा रिव्यू सीरियस मैन का। ये मूवी हाल में ही नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। सीरियस मैन से काफ़ी सारी लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि इसके क्रेडेंशियल इतने स्ट्रांग थे, क्योंकि डायरेक्टर सुधीर मिश्रा थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर थे और स्क्रिप्ट में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ एक नया ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा ऑडियंस को। इसमें सुधीर मिश्रा के डायरेक्शन में मुझे कुछ चीज़ें लगी कि वो कुछ नया करना चाह रहे थे। डेफिनेटली एक बुक का अडेप्टेशन था ये, तो डेफिनेटली लिमिट रहती है कुछ डायरेक्टर की, लेकिन जैसा मुझे लग रहा कि जैसा वो स्टार्ट कर रहे थे और जैसा वो क्लोजर पे लेके आते हैं, क्लाइमैक्स पे लेके आते हैं, तो मुझे लग रहा था काफ़ी सारे इश्यूज थे जो उन्होंने रेज किए थे लेकिन वो उसको समेट नहीं पाए। तो डायरेक्टर के लिए ये होता है कि आप कुछ चीज़ें परोसें ऑडियंस के लिए और वो फिर पूरी परोसने के बाद पूरी आपको समेटनी भी आखिरी तक, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है एक निगेटिव पॉइंट रहा डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो आखिरी तक वो सारी पॉइंट्स को आप क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सुधीर मिश्रा थोड़ा सा चूक गए हैं। इस मूवी की खासियत ये रही कि इसका जो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट था वो बहुत अच्छा था, सबने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें लीड रोल में थे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि एक मिशन में वो स्टार्टिंग से जुटते हैं और आखिरी तक वो जुटे रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वो अपने आप से लिंक कर पाते हैं, क्योंकि एक कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ कुछ वो हाईलाइट करते हैं और शायद ऑडियंस उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। तो ये शायद बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट है इस मूवी के लिए कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जैसे कि अगला, जैसे मैं बोलूँ अक्षत दास जिसने आदि का रोल प्ले किया है, बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन एक्टिंग में वो बहुत बड़े बड़ों के कान काट सकता है, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जैसे मैं बात करूँ इंदिरा तिवारी जो इसकी माँ बनी है आदि की, उनका भी रोल छोटा था लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी लगती है मुझे। इसके बाद अगर मैं कहूँ श्वेता बासु प्रसाद, उनका रोल भी अच्छा था, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने अपने रोल में। और इसके बाद नसर सर जो चीफ साइंटिस्ट बने हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगती है। संजय नावेकर की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर संजय को आप याद करेंगे तो वो हंगामा मूवी में भी दिखाई दी, तो वो काफ़ी छोटे छोटे रोल उन्होंने किए हैं लेकिन इस मूवी में थोड़ा रोल लंबा था उनका और उनकी परफॉर्मेंस भी जमती है। वो एक एज ए दलित नेता बने हुए हैं और उनका जो रोल था उस हिसाब से वो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी। ये मूवी मनु जोसेफ जिन्होंने सीरियस मैन नाम की बुक लिखी थी उसी पर बेस्ड है, और इसके साथ साथ अगर इसकी स्क्रिप्ट देखा जाए तो नीरज भट्ट ने लिखी है। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे लग रहा बहुत स्कोप नहीं रहता है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत मैटर करता है, और स्क्रीन प्ले मुझे इस मूवी का बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया। मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम लगी स्क्रीन प्ले के साथ। वैसे स्क्रीन प्ले अभिजीत कुमार और भावेश मंडालिया का था लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी इस मूवी के लिए मुझे वो दिखी नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे लगी जो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो दिखाना चाह रहे थे और फिर उसके बाद दिखाया नहीं उनको, या फिर उनको टच नहीं करना था मेरे हिसाब से। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम टॉपिक को टच करके भी मूवी बना सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने श्वेता बासु की पर्सनल लाइफ को थोड़ा टच करते हैं फिर उसको नहीं दिखाते हैं। और जैसे कि वो चौल को लेके उसमें बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि वो साइन करा लिए गए लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस होता है किसी को कोई आइडिया नहीं। इसके अलावा आदि जब पैदा होता है तो उसको क्या दिक्कत होती है, फिर वो कैसे ये चीज़ प्लान होती है, हो सकता है वो सस्पेंस बनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसकी जो डिसीज थी वो उसको नहीं सुनाई देता था, वो चीज़ उनको दिखानी थी। इस मूवी का म्यूजिक दिया कैरल एंटोनियन ने और इसमें एक गाना आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में और एंड में चलता है, रात काला छाता, वो गाना बहुत ही अच्छा है, उसके लिरिक्स अच्छे हैं और उसका यूज़ बहुत अच्छी जगह पर किया गया है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो परफॉर्मेंस अच्छी रही सबकी, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, डायरेक्शन एवरेज था, स्क्रीन प्ले बहुत ही बुरा था मैं ये कहूँगा, कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की जैसे कि साइंस को ऐड किया उन्होंने, पॉलिटिक्स को ऐड किया उन्होंने और इसके साथ साथ उन्होंने रिलीजन कन्वर्जन को भी ऐड किया, कास्ट सिस्टम को भी ऐड किया, तो ये सारी चीज़ें प्लस थी। लेकिन वही चीज़ है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा खराब रहा, बहुत ही बुरा रहा, आप देख के सर पकड़ लेंगे इस मूवी को। अब बात करते हैं रेटिंग की, तो मुझे परफॉर्मेंस पसंद आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बाकी सब लोगों की, तो उसका एक स्टार अगर मैं जोड़ लेता हूँ और एक स्टार कॉन्सेप्ट और म्यूजिक को अगर दे के देता हूँ तो मैं 2 स्टार दे सकता हूँ, बाकी का सारा डिपार्टमेंट जो था इस मूवी का उसने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया, तो मैं इसे देता हूँ 2 स्टार 5 में से। अगर आपको किसी मूवी का रिव्यू कराना है या वेब सीरीज का रिव्यू कराना है तो आप मुझे मेरे पेज सिनेमा पे भी मिल सकते हैं, और आपने कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप मुझे वहाँ पे दे सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।